So, hello positive army, what are we doing in this video? We are discussing lecture 2 of vectors. तो उस lecture 2 को discuss करने से पहले अपन अब करने वाले हैं थोड़ा सा lecture 1 का recap, ठीक है? Recap बोले तो पूरा अपना थोड़ा सा हल्का फुल्का जो जो लेक्चर वन में अपन जाने हैं जो जो चीज़ें हल्का फुल्का उनका रिवीजन करने वाले हैं। 5 से 10 मिनट लगेगा और क्या, ठीक है? हल्का सा 5 मिनट लंबा हो जाएगा वीडियो तो भी क्या ही जाएगा, ठीक है? तो चलो चालू करते हैं। देखो रिकैप ऑफ लेक्चर वन, लेक्चर वन में मैंने आपको क्या क्या, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है? लेक्चर वन में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बेस पे नहीं होता है, वो अधूरी जानकारी है, ठीक है? उनको डायरेक्शन के बेसिस पे भी सिंप्लीफाई किया जाता है। अगर फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन के बेसिस पे स्पेसिफाई करते हैं तो एक बनता है स्केलर और एक बनता है वेक्टर, है ना? इतना बात क्लियर था अपने को, एक बनता है स्केलर एक बनता है वेक्टर, ठीक है? और स्केलर कौन बनता है? स्केलर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास 2 लीटर दूध है और 1 लीटर है पानी। मैं दूध में मिला दिया पानी, वैसे दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं दूध में मिला दिया पानी मान लो, ठीक है? दूध में पानी मिलाया तो वो जनरली ऐड हो जाएगा, ऐड होकर वो 3 लीटर बन जाएगा, ठीक है? उसमें से 1 लीटर निकाल दूंगा तो वो फिर से 2 लीटर बन जाएगा। मतलब स्केलर्स एलजेब्रिकली ऐड हो सकते हैं। स्केलर्स क्या हो सकते हैं? एलजेब्रिकली ऐड हो सकते हैं, ठीक है? स्केलर्स क्या हो सकते हैं? एलजेब्रिकली ऐड हो जाते हैं। वहीं वेक्टर की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक बॉक्स है, ठीक है? ये कोई एक बॉक्स है, इधर से ये जो चिंटू है अपना वो इधर से धक्का लगा रहा है, ठीक है? मतलब धक्का लगा रहा है बोले तो फोर्स लगा रहा है चिंटू इधर इस तरफ, ठीक है? 10 न्यूटन का मान लेते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। इधर से जो है स्वीटी फोर्स लगा रही है, ये अपनी स्वीटी, ठीक है? ये इधर से 10 न्यूटन का ये भी फोर्स लगा रही है। तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा? अगर ये स्केलर रहता तो इसमें नेट फोर्स जो लगता वो लग जाता 20 न्यूटन का, लेकिन फोर्सेस जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसी कारण से इसमें 20 न्यूटन फोर्स ना लग के सिर्फ और सिर्फ नेट जो फोर्स रहता है वो हो जाता है 0, है ना? ये कैसे हुआ, है ना? इस पे तो नेट फोर्स 20 लगना चाहिए था लेकिन इस ये जो है बॉक्स हिलेगा भी नहीं, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे अपने को एक चीज़ पता चली कि कुछ क्वांटिटीज़ जो है डायरेक्शन के बेसिस पे भी स्पेसिफाई करते हैं, उन्हीं क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? उन्हीं क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर जो है एलजेब्रिकली ऐड नहीं होते, एलजेब्रिकली एड नहीं होते। काट दो इसको फट से, ठीक है? एलजेब्रिकली ऐड नहीं होते। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या चाहिए अपने को? वेक्टर को ऐड करने के लिए अपने को एक और अलग एलजेब्रा चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर एलजेब्रा। क्या बोलते हैं उसको? वेक्टर एलजेब्रा। क्या बोलते हैं? वेक्टर एलजेब्रा, ठीक है? वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अब अपने को चाहिए वेक्टर एलजेब्रा। तो वेक्टर एलजेब्रा में जो है दो चीज़ें होती है, मतलब दो तरीकों से निकाला जा सकता है। पहला क्या है, रुक जाओ मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। तो इतना तो रिकैप हो गया, अब थोड़ा सा अगले लेक्चर की कहानी कर रहे हैं अपन। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या चाहिए अपने को? वेक्टर एलजेब्रा चाहिए। नॉर्मल एलजेब्रा से ये नहीं होने वाला, ठीक है? तो वेक्टर एलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें होती है? देखो पहला जो है वो होता है वेक्टर्स का ग्राफिकल मेथड। मतलब अपन सिर्फ ग्राफ, मतलब सिर्फ वेक्टर बना बना के उसका डायरेक्शन देख देख के उसका नेट रिजल्टेंट निकालेंगे। नेट रिजल्टेंट बोले तो अगर एक पार्टिकल पे ऐसे 2 वेक्टर्स लग रहे हैं, इधर से 3 न्यूटन है और इधर से 2 न्यूटन है, तो उसका नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है, नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है वो जो है वो 1 न्यूटन हो जाएगा। वैसे ही कोई भी वेक्टर, जैसे वेलोसिटी भी वेक्टर है, वैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का जो कहीं भी लग रहा होगा, अगर 2 क्वांटिटीज वेक्टर्स की, तो उनका जो नेट वेक्टर है, मतलब नेट वेक्टर जो है वो अपन कैसे निकालेंगे? पहला ग्राफिकल मेथड से। तो अपन जो है इस जो लेक्चर है उसमें पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे,
ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। और दूसरा एक और मेथड होता है, वो होता है एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को पूरा सिलेबस पढ़ना है इसीलिए अपन ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे। दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो अभी अपन ग्राफिकल मेथड देखेंगे किसका, वेक्टर अलजेब्रा का, मतलब ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी सिर्फ वेक्टर एडिशन की ही बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए अलग एक वीडियो बनेगा, तो अभी सिर्फ वेक्टर्स के एडिशन की, मतलब वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, सिर्फ उसी की बात करेंगे। अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन का बात अलग से करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो क्या देखेंगे अपन, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर एडिशन जो है, जो कि ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड बोले तो सिर्फ जो है अपन वेक्टर्स बना बना के उनके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और उनके जो रिजल्टेंट्स है वो फाइंड करेंगे, और कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में अपन फार्मूला फाइंड करने वाले हैं, इसमें अपन फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनेगा, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स बनेंगे इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, देखो वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड को तीन तरीके से कर सकते हैं, मतलब वेक्टर एडिशन के तीन रूल है। कौन कौन से रूल? पहला रूल है ट्रायंगल लॉ। सो क्या बोलते हैं प्यार से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, एडिशन समझ लो उसको, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब तुम लोग बोल रहे हो यार कैसे कैसे लॉ है ना, ट्रायंगल पैरेललोग्राम, अरे मजा आएगा देखना यार, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और तीसरा लॉ है पॉलीगॉन लॉ। अब तो लोग बोल रहे हो ऑक्टागॉन भी होगा, हेक्सागॉन भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नहीं है, बस यही तीन है, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब जो लॉ है ये वेक्टर एडिशन के लॉज हैं, ठीक है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन अपन अलग से देखेंगे, अगले अलग वीडियो बनेगा उसके लिए, ठीक है। अभी सिर्फ वेक्टर एडिशन देखेंगे, वो भी कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड भी के लिए भी अगला एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आज ग्राफिकल मेथड और वेक्टर एडिशन इन ग्राफिकल मेथड की बात चलेगी। तो पहले देखते हैं अपन ट्रायंगल लॉ, ठीक है। रुक जाओ, इसको मिटा लेता हूँ मैं। ट्रायंगल लॉ, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं, पहले एडिशन को कंप्लीट कर देता हूँ। वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये बोलता क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन टू साइड्स ऑफ इट states that when two vectors, अभी रुक जाओ, हाँ मेरे को पहले लिखने दो इसका स्टेटमेंट। इट से when two vectors represent the two sides, second recording हो रहा है ना, हो रहा है, represent two sides of triangle, है triangle, हाँ triangle, अभी दिखाऊंगा कैसे, triangle in magnitude एंड डायरेक्शन। मैंने बताया था ना कि एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन किससे? यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। अब हम सब पिछले वेक्टर में देख चुके हैं, ठीक है। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन अब आती है काम की बात, देन देयर रिजल्टेंट शुड बी
रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। अब कईयों को ये डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी, तो अब बात करते हैं अपन इसको समझाने की, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। इट स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर मान लूँ मैं कि, चलो एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये मान लेते हैं कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई बॉक्स है। ये अपना चिंटू भाई क्या किया कि इस बॉक्स पे जो है, चिंटू भाई इधर की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, किधर की तरफ ईस्ट की तरफ ये लेके इधर गया, ठीक है। तो अपन इसको बोल दिए कि ये हुआ F1 वेक्टर, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ जब बॉक्स पहुँचा, ठीक है, यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस हो गए, तो यहाँ से स्वीटी आई नीचे से, ये स्वीटी आई, और इसने इस बॉक्स पे ऐसा ऊपर नॉर्थ की तरफ लगा दिया फोर्स, ठीक है, ये, ठीक है, ये इसको अपन F2 वेक्टर बोल देते हैं, जो फोर्स 2 लगा, ठीक है। अब इन दोनों से पूछा गया कि भाई तुम दोनों जो है एक रूम में डिस्कशन करो और मुझे बताओ कि नेट फोर्स कितना लगा है इस बॉक्स पे जो कि यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। क्या बोला गया, नेट फोर्स कितना लगा है इस बॉक्स पे जो पहले यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब चिंटू और स्वीटी हैरान, ठीक है, चिंटू और स्वीटी बोले अरे यार कैसे करें इसको। अब चिंटू और स्वीटी आए गौरव सर के पास, किसके पास, गौरव सर के पास, ठीक है। चिंटू और स्वीटी आए गौरव सर के पास और पूछा सर जी क्या करें, हम तो पड़ गए दिक्कत में, हमने इधर से ऐसा फोर्स लगाया। अब हमको किसी ने पूछ दिया कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तब हमने उन्हें क्या पढ़ाया, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। व्हेन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये दो साइड ट्रायंगल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, मतलब वेक्टर दिखा रहे हैं दो साइड का, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट बाय थर्ड साइड होगा। तो अब तुम लोग बोलोगे कि थर्ड साइड ऐसे बना देते हैं एक वेक्टर ऐसे करके, नहीं बेटे, नहीं, ऐसे नहीं बनाना कभी भी, ठीक है। ये दो वेक्टर का एरो ऐसे और ऐसे रहेगा ना, तो तीसरा वेक्टर जो है, क्योंकि बॉक्स यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है तो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो यहाँ रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्या, एफ नेट, ठीक है। एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब तुम लोग बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इधर से 2 न्यूटन लगाऊंगा, इधर से 3 न्यूटन लगाऊंगा, तो क्या नेट फोर्स 5 न्यूटन हो जाएगा? नहीं, मैंने क्या बताया था, ये वेक्टर एडिशन है, ये एलजेब्रिकली ऐड नहीं होते, इनके लिए अलग से रूल्स लगते हैं। एक रूल ये है, ठीक है, सिर्फ अब इतना याद रखना कि नेट फोर्स जो लगेगा वो इसका और इसका सम होगा, ठीक है। अभी एक और मतलब जनरल कंडीशन देख लेते हैं। जनरल कंडीशन मतलब जैसे सब कोई बताते हैं कि एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये तीसरा जो इनका रिजल्टेंट होगा ऐसे, तीसरा साइड जो है सी वेक्टर, वो सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, किस रूल के अकॉर्डिंग, ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस रूल के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसा कुछ कंडीशन आएगा, ठीक है भाई, बहुत सही, बहुत खूब। तो अब मेरे मन में सवाल आया, क्या सवाल, कि यहाँ तो इन दो
वेक्टर्स के बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, वेक्टर्स के बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ तो परपेंडिकुलर था, ठीक है, यहाँ पहले ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ चलो पाइथागोरस डाल के लगा निकाल लेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड बोला हूँ मैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, इसी सब चीज़ों के लिए जो है हमारे पास एनालिटिकल मेथड काम आता है, ठीक है, कौन सा मेथड, एनालिटिकल मेथड, उसमें अपन वेक्टर का जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला सीखेंगे। तो अभी सिर्फ ग्राफिकल मेथड करना है तो अपन सिर्फ ये वाला कंडीशन ही देखेंगे, यार कौन सा कंडीशन, जब दो वेक्टर जो है ऐसे, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, जब दो वेक्टर जब 90 डिग्री बना रहे होंगे, ये इच वाला कंडीशन देखेंगे सिर्फ, ये वाला कंडीशन अभी अपन नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो ये वाला जो कंडीशन है, ऐसा टाइप का कंडीशन, वो सब जो है एनालिटिकल मेथड से सॉल्व होने वाला चीज़ है, ठीक है, फॉर्मूला यही है, लेकिन ये वेक्टर्स है, वेक्टर स्केलर से एकदम अलग होते हैं, पूरे पूरे अलग, ठीक है, इनके लिए अलग एडिशन का रूल्स लगता है और अलग फार्मूले रहते हैं एडिशन के लिए, ठीक है भाई। तो अभी अपन जो है वेक्टर एडिशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वो बहुत कुछ क्लियर कर देगा, ठीक है, और सिर्फ यही यही वाला देखेंगे कि परपेंडिकुलर रहता है, और कुछ नहीं देखेंगे, या फिर इस मेथड से जो सॉल्व हो जाए एग्जांपल, वैसे ही एग्जांपल देखेंगे, और कोई अलग एग्जांपल नहीं देखेंगे जो तुम्हारा दिमाग घुमा दे। अच्छे अच्छे एग्जांपल जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, जो कि बेहतरीन एकदम मज़ा ही आ जाएगा उनमें, तो ठीक है भाई, अभी अभी एग्जांपल देखते हैं, चलो। तो अब देखते हैं नीट 2010 का रॉकिंग से क्वेश्चन, जो कि है ट्रायंगल लॉ के ऊपर, ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब अपने क्वेश्चन में क्या बोला, ए वेक्टर जो है उस तरफ जा रहा है, बी वेक्टर नीचे जा रहा है, ठीक है, सी वेक्टर भी उसी तरफ जा रहा है, डी वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, ई वेक्टर इधर की तरफ आ रहा है, और एफ वेक्टर जो है वो इधर जा रहा है। तो हमको पूछा है कि इनमें से ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग या फिर नेट रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग जो एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर, वो किसका रिजल्टेंट है, ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। तो जहाँ ट्रायंगल बन जाए वहाँ ये रिजल्टेंट कहलाएगा। तो चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। बी वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ, ठीक है, तो बी वेक्टर पहले ले लेते हैं नीचे की तरफ, सी वेक्टर किधर है, इधर की तरफ, ठीक है, तो एफ वेक्टर किधर होना चाहिए, इधर, इनका रिजल्टेंट जो है, अगर बी इधर है सी इधर है तो रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन एफ तो इस तरफ है और इनका रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, तो बी और सी तो नहीं है, मतलब ए ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है, चलो दूसरा दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। डी वेक्टर कहाँ है, ऊपर की तरफ, डी वेक्टर कहाँ है, मैं पैरेलली लेके आ सकता हूँ ना, ये एक कंडीशन है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर फर्स्ट में कि ये एक कंडीशन है कि मैं वेक्टर्स को पैरेलली ला सकता हूँ, तो डी वेक्टर को मैं उठा के जूम 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 बोल के इधर ले आया, ठीक है। अब डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर किधर है, सी वेक्टर है इधर, तो मैं जूम 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 करके यहाँ इसके हेड पर रख दिया, ले सी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, क्या ये इस तरफ जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, अगर ये डी वेक्टर है ये सी वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट जो है इसके मुंडी पे जाके, इसके टेल से होते हुए इसके मुंडी पे जाके टकराएगा और ये कहलाएगा डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो एफ वेक्टर का डायरेक्शन इधर है क्या, नहीं, एफ तो इधर है भैया, ये तो इधर दे रहा है, तो ना ए है ना बी है, सी देखते हैं, मान लेते हैं डी वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसको मैं फिर से ऐसी पैरेलली उठा के यहाँ रख दिया, तो ये डी वेक्टर। अब देखना, हाँ एफ ई वेक्टर बोला है ना, तो ई वेक्टर को मैं ऐसे उठा के दुम 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 या फिर इसके हेड पे यहाँ पे, ठीक है, तो इसके हेड पे इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ तो इसको इस तरफ बनाता हूँ मैं, देखो डी वेक्टर जो है ऐसे है, ई वेक्टर ऐसे है, मैं इसको पैरेलली इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे आ जाएगा क्या, तो ये डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है,
तो क्या इनका रिजल्टेंट इसकी पूंछियां से निकल के इसके मुंडी पे आएगा और डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर कहलाएगा? हाँ बिल्कुल, डी वेक्टर और ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर कहलाएगा। और क्या ये डायरेक्शन एफ वेक्टर से मिलता दिख रहा है? हाँ हो यार, एफ वेक्टर से मिलता तो दिख रहा है यार, बिल्कुल सही, यही आंसर। और क्या, एफ वेक्टर जो है डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर है। एफ वेक्टर को ही उठा के इधर रख दिया गया है, ठीक है। तो ये आया था नीट 2010 में, ठीक है। अब देखते हैं और एक आध एग्जाम्पल जो थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे से खोल देगा, ठीक है। इसको देख लो कैसा लगा ये वाला एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अ वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का। एक सेकेंड, ठीक है, 5 यूनिट है वेक्टर है, उसका यूनिट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ बोले तो देखो प्लेन में अपन, मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि ऊपर जो है एक प्लेन में अगर चारों साइड को रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर जो है नॉर्थ जाता है, इस तरफ जो है ईस्ट जाता है, नीचे जो है साउथ जाता है, इधर जो है वेस्ट जाता है, ठीक है भाई। तो भैया सूरज कहाँ से उगता है बोलोगे ना, ईस्ट की तरफ से उगता है बड़े, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 यूनिट से, 5 यूनिट से बोले तो वेक्टर कैसे बनाएंगे अपन, ठीक है। एक यूनिट का 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ एक 5 सेंटीमीटर का एक वेक्टर बना देने का ऐसे करके, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर इधर की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। एंड अ वेक्टर बी, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, 5 सेंटीमीटर नहीं लिखते इसको, 5 यूनिट लिखते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा वेक्टर है बी, उसका भी मैग्नीट्यूड जो है 5 यूनिट का है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ बोले तो ऊपर, ये नॉर्थ बना दिया मैंने, ये भी है 5, ये वेक्टर बी का है, ठीक है। तो वो बोला व्हाट इज द डायरेक्शन एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो अपन अभी अभी क्या पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में कैसे पता चलता था अपने को, अगर इधर ए है अगर इधर बी है तो रिजल्टेंट वेक्टर एक के पूंछ से दूसरे के टेल मतलब दूसरे के हेड पे जाके अपना हेड दे देगा, और एक के पूंछ में, ये ए वेक्टर रहेगा, ये बी वेक्टर रहेगा, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन जाएगा, वही बिल्कुल बन जाएगा। और अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि यहाँ से जो एंगल अल्फा रहता है वो क्या करता है, डायरेक्शन बताता है इस रिजल्टेंट का, ठीक है, क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है इस रिजल्टेंट का। तो यहाँ ये 5 का है मैग्नीट्यूड, ये 5 का मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट ये ऐसे निकलेगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अगर ये ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ 5, ठीक है। बी वेक्टर क्या है, 5 इन नॉर्थ डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या है सिर्फ बी का, सिर्फ 5, ठीक है। बी वेक्टर क्या है, 5 इन नॉर्थ डायरेक्शन, ए वेक्टर क्या है, 5 यूनिट इन ईस्ट डायरेक्शन, वही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि है 5, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि है 5, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में गया है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अब तुम लोग बोले कैसे 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 कैसे, वेक्टर में तो अभी अभी अपन देखे थे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, अपन सिर्फ अभी वेक्टर की बात किए थे, ठीक है।
और वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो स्केलर होता है, ठीक है। क्या होता है, वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लग पाया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम एक एल्जेब्रिक टर्म है, ठीक है, इसीलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग पाया। इसीलिए मैं वेक्टर में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि ये एल्जेब्रिक क्वांटिटी ही नहीं है, ये जो है वेक्टर एल्जेब्रा का पार्ट है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मतलब इस मैग्नीट्यूड को मैं सिर्फ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, बताया था पिछले लेक्चर में ऐसा करके, ये आर और इसके ऊपर ना वेक्टर डाल, बिना वेक्टर डाले, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू ए का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 25। अच्छे से चल क्यों नहीं रहे भाई, 25 प्लस 25, एक सेकेंड यार, 25 प्लस 25 ये 50, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50, तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर 50, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया कि रूट ओवर 50 है, अब डायरेक्शन कैसे निकाले, डायरेक्शन जो है मैं अभी अभी बताया था कि अल्फा होता है और इसको टेन अल्फा से निकाला जाता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा लगा देता हूँ, ठीक है। टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिक्युलर अपॉन बेस होता है, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिक्युलर अपॉन बेस, तो परपेंडिक्युलर का मैग्नीट्यूड क्या है, 5, और बेस का मैग्नीट्यूड 5, तो यहाँ जाएगा 1, तो टेन थीटा 1 कब होता है, सोचो जब 45 डिग्री बनता है, तो अल्फा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, अल्फा क्या आया, 45 डिग्री। तो क्या अपने को डायरेक्शन पता चल गया और मैग्नीट्यूड पता चल गया, मतलब आर वेक्टर है क्या। अब आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बाद आई, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट फिफ्टी 45 डिग्री ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, रूट फिफ्टी 45 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। ये जो चीज़ है 45 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो गया, और ये जो चीज़ है ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसी तरीके से ये पूरा वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया थी, ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब ये मतलब हल्का हल्का ट्रायंगल लॉ के जैसे ही है, लेकिन तुम समझ जाओगे इसको बनाया क्यों गया है ना। चलो देखते हैं, अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने एक बुक से उठाया है, ठीक है, वो बुक का मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, वो बुक से उठाया है, ये जेई और नीट में तो नहीं आया है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने का दम रखता है, ठीक है। तो अ कार गोइंग ड्यू नॉर्थ एट 10√2 मीटर पर सेकेंड टर्न राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विदाउट चेंजिंग स्पीड, ठीक है, विदाउट मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 90 डिग्री वो मुड़ चुका है, ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार इज, मतलब कि जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो चेंज हुआ वेलोसिटी का वो क्या है। तो अभी तो हम देखे कि भाई कोई स्पीड में तो चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्यों पूछा है। देखो भाई, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी इसलिए पूछा है क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन में तो चेंज आया ना, इसीलिए वेलोसिटी का भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अभी अ कार गोइंग ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है अपना बंदा, कार में आज उसका घूमने का मन हुआ है, ठीक है, किससे जा रहा है, 10√2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो 10 उसको बड़ा लिखते हैं ना भाई, कंजूसी क्यों करना, 10√2 मीटर पर सेकेंड से भाई साहब नॉर्थ की तरफ चले हैं, ठीक है।
जाते जाते भाई साहब का मन हुआ और भाई साहब राइट की तरफ मुड़ गए हैं, मेरा राइट इस तरफ से, अगर तुम लोग ऐसे देख रहे हो तो मेरा राइट भी इसी तरफ जा रहा है, ठीक है, तो राइट की तरफ मुड़ गए हैं 90 डिग्री के एंगल से, भाई साहब का मन हुआ अब राइट तरफ की घूमेंगे 90 डिग्री के एंगल से, किसे 90 डिग्री के एंगल से विदाउट चेंजिंग द स्पीड, मतलब स्पीड वो चेंज कर, देखो यहाँ स्पीड बोला है भाई साहब, वेलोसिटी की बात नहीं की है, स्पीड बोला है, स्पीड क्यों बोला है क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है, यहाँ डायरेक्शन क्योंकि चेंज हुआ है, तो क्या हुआ है डायरेक्शन चेंज होने के कारण से यहाँ वेलोसिटी भी चेंज हुई है, लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ है, स्पीड चेंज नहीं हुआ है, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड से ही जाया जा रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार इज, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी बोलते ही अपने को क्या करना है, यहाँ इसकी पूछड़ी से एक वेक्टर निकालते हुए इसके सर पे दे मारना है, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर जो है वो चेंज इन वेलोसिटी का है, चेंज, ये जो नेट रिजल्टेंट वाला वेक्टर है यही है चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर, जो इनिशियल से फाइनल तक गए उसमें चेंज क्या हुआ वेलोसिटी में, ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, वही अपना सेम यार, वेक्टर ऑफ वेलोसिटी चेंज इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं इसको बोलते हैं ए वेक्टर, मतलब वेलोसिटी है ना, तो वी ए वेक्टर, वी ए वेक्टर, और इसको बोलते हैं वी बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर, तो अब जो है अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये जो चेंज हुआ है वेलोसिटी इसका अपन क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, चलो भाई देखते हैं मैग्नीट्यूड निकाला जाए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो क्या यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ मैं, हाँ लगा लूँ, तो क्या वेक्टर्स के बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, नहीं भाई वेक्टर्स के बीच में कभी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा स्केलर के बीच में लगेगा, तो इस चीज़ में स्केलर क्या है, तो इस चीज़ में जो स्केलर है वो है मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड्स के बीच में जो है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, वेलोसिटी चेंज का स्क्वायर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ये देखो दो डंडा डाल रहा हूँ बगल में है, वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, नहीं स्क्वायर इधर बाहर लगेगा, तो चेंज का स्क्वायर इक्वल्स टू वी एस का स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर ये 10√2 का स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर और इसका दो, तो 200 प्लस, ये भी तो सेम स्पीड का ही है तो ये भी 200, तो क्या ये दोनों मिलके बन जाएंगे 400, तो v चेंज का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 400 आया, तो v चेंज कितना आ जाएगा 20, रूट कर दूंगा 400 का, तो ठीक है, तो v चेंज कितना आया 20, तो चलो भाई देखो अपने को ये तो मिल गया कि वेलोसिटी जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है, ठीक है, अब डायरेक्शन क्या है इसका, व्हाट इज द डायरेक्शन, अल्फा लेते हैं इसको, तो जैसे ही इसको अल्फा लेंगे अपन निकालने चलेंगे टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिक्यूलर बाय बेस, अब यहाँ अपन टेन अल्फा कैसे लगा सकते हैं, ये टेन अल्फा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है भाई साहब, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 बाय मैग्नीट्यूड लेना ना, सिर्फ ये लेंथ चाहिए अपने को, कोई वेक्टर वेक्टर की बात नहीं कर रहे अपन यहाँ पे, है ना, तो ये परपेंडिक्यूलर और ये बेस हो जाएगा, तो ये भी 10√2, डार्क नहीं चलाता यार अपना ब्लैक पेन है, तो ये वन हो जाएगा, तो अल्फा यहाँ पर हो जाएगा 6, अरे भाई साहब, अरे हाँ अब आया ना, हाँ अल्फा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो ऊपर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, और ये ईस्ट से जो है नहीं ये नॉर्थ से 45 डिग्री बना रहा है, तो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेंगे, अगर नॉर्थ से 45 बना रहे तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अगर ईस्ट से बना रहा होता तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट ये पिछले लेक्चर में अपन देख चुके हैं ना ये सब, ईस्ट ऑफ
नॉर्थ ले हो गया ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या आया 20, डायरेक्शन क्या आया 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ठीक है। तो अब जो है मैंने जो है दो वेक्टर्स के बीच में ऐसे एंगल क्यों नहीं डाला है फिकर के, ये ऐसे क्वेश्चन भी तो आते होंगे ऐसे थीटा एंगल बना होगा। तो देखो ये कंडीशन मैंने क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है ये थोड़े एडवांस सवाल है और ये जो सवाल है ये एनालिटिकल मेथड से बनेंगे ठीक है, और एनालिटिकल मेथड अपन अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो ये सब जो है अगले लेक्चर में आएगा। अभी सिर्फ मैं 90 डिग्री क्यों रखा हूँ वेक्टर्स के बीच में, क्योंकि अभी अपन सिर्फ ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं इसलिए ठीक है। तो अब देखते हैं वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ग्राफिकल मेथड ठीक है। तो अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ठीक है। अभी अपन सिर्फ ग्राफिकल मेथड देखेंगे ठीक है, ग्राफिकल मेथड सिर्फ, एनालिटिकल मेथड अपन देखेंगे बाद में ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या क्या है देखो, कि पहले तो अपन इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन बोले तो चलो डेफिनेशन मतलब ये स्टेट क्या करता है, इफ टू वेक्टर्स जॉइंड टेल टू टेल इफ टू वेक्टर जॉइंड टेल टू टेल एंड रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दो साइड कौन से, पैरेलल साइड्स नहीं, दो एडजेसेंट साइड्स ठीक है। देन अब आई काम की बात, देन रिजल्टेंट शुड बी be in the direction of diagonal के direction में होगा, starting from common tail ठीक है। देखो भाई कई लोगों को समझ आ भी गया होगा, कई लोगों को नहीं भी आया होगा ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि क्या है। तो अब भैया मेरे मार्वल फैन लोगों के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ये है एक थॉर का हथौड़ा, मिजोलनीर ये ठीक है, ये जो है थॉर भैया का थोड़ा है ठीक है। अब जो है इधर से मान लेते हैं लोकी खींच रहा है, इसको रस्सी बांध दिया है लोकी और यहाँ से खींच रहा है ठीक है, और यहाँ से जो है इसको हेला खींच रही है, हेला बोले तो थॉर की बहन ठीक है। थॉर किधर है, थॉर गायब है, अभी लोग थॉर का हथौड़ा खींचने में बिजी है ठीक है। इधर से लोकी खींच रहा है रस्सी बांध कर ऐसे, और इधर से जो है हेला खींच रही है रस्सी बांध के ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में थीटा का एंगल है ठीक है, इन दोनों के बीच में थीटा का एंगल है। अब मान लेते हैं इन लोग हल्का सा जो है इस हथौड़े को डिस्प्लेस कर दिए, मतलब हल्का सा हिला दिए ठीक है। तो हथौड़ा जो है यहाँ से खिसक के यहाँ कहीं आ जाएगा ठीक है, मतलब इस लाइन में ट्रैवल करेगा वो हथौड़ा ठीक है। तो अब लोकी और हेला के मन में जो है सवाल उठा क्या, कि अपन तो इधर खींचे और लोकी खींचा इधर, तो या तो इसको इधर जाना चाहिए था या इधर जाना चाहिए था, ये इधर क्यों गया। तो ये लोकी और हेला जो है वो आए मेरे पास, किसी पास, गौरव सर के पास ठीक है, कि अपन इस लोकी इधर से खींचा मैं उधर से खींची, ये इधर क्यों गया भाई साहब। देखो भाई यहाँ आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल। तो मैंने उनको इत्मीनान से बैठाया ठीक है, चाय पानी पिलाया, उसके बाद उन्हें पढ़ाया
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो कैसे बोलते हैं इसको, अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है और क्या ये दोनों पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ भाई बिल्कुल लग तो रहा है ना, ये इनका कॉमन टेल, यहाँ से एक वेक्टर इधर, यहाँ से एक वेक्टर इधर, मेरे को लग रहा है हाँ दोनों ये अगर इसको ऐसे करें तो हाँ ये दोनों पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं। ठीक, कर रहे हैं, सही बात है। तो इस रूल के हिसाब से क्या होगा कि टेल टू टेल ज्वाइन होंगे प्रेजेंट दो साइड, देन रिजल्टेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट से एक डायगोनल पास होगा, वो जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अब तुम लोग को लग रहा होगा यार कहीं तो देखा है, कुछ तो सही है, कुछ तो अलग सा है इसमें, है ना, कुछ तो अलग लग रहा है। तो अब तुम लोग बोलोगे कि भाई साहब इस वेक्टर को पकड़ के अपन इधर ला दे तो अपन तो इसमें ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं। तो मैं कब मना किया इसमें ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते, मैंने तो सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ बताया। तो मान लेते हैं मैं इस वेक्टर बी को यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये आर, हाँ इसमें भी वही आर है। तो मैंने कब बोला कि नया चीज़ आएगा, लेकिन ये लॉ क्यों बनाया गया है, अगर किसी एक ही चीज़ पे दो वेक्टर लग रहे हैं, एक ही चीज़ पे दो वेक्टर लग रहा है तब क्या लगाना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और किसी एक चीज़, ये एक ही इंस्टेंट पे लग रहा है, मतलब टी इज इक्वल टू वन सेकेंड पे ये दोनों फोर्स लग रहा है, और किसी एक पे पहले ये लग रहा है, फिर ये आने के बाद यहाँ पे पहुँचा तो फिर ये लग रहा है इधर, ठीक है। तो इस केस में जो है अपने को क्या लगाना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर एक ही टाइम पे दो वेक्टर लग रहा है तो अपने को क्या लगाना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक टाइम पे एक वेक्टर लग रहा है फिर उसके बाद फिर दूसरे टाइम पे दूसरा वेक्टर लग रहा है तब क्या लगाना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ये है दोनों एक ही चीज़, ठीक है दोनों एक ही टाइप का चीज़, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस आ जाता है ना। तो ये जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है ए से, वो अपन देखे थे ट्रायंगल लॉ में कि अल्फा कहलाता है, तो इसमें भी क्या कहलाएगा, अल्फा। तो टैन अल्फा का जो वैल्यू है वो अपन एनालिटिकल मेथड में निकालेंगे, ठीक है। इस मेथड में वही टैन अल्फा से ये इसका डायरेक्शन निकलेगा, टैन अल्फा क्या देगा, डायरेक्शन देगा इस रिजल्टेंट का, ठीक है। तो ये था बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। तो अब जो है अपन इसके थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। बाकी एनालिटिकल मेथड में तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। ये अपन क्या देख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक। हेला और लोकी परेशान थे, हमने उनके समाधान निकाल दिया पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा के। इतना ही नहीं, पूरा वेक्टर चैप्टर पढ़ा के भेजा है दोनों को। चलो ठीक है यार, अब अपन क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि पैरेललोग्राम लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, एक सेकंड, ये क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, मतलब एक कार है, ठीक है, एक कार है, उसमें दो लोग बैठे थे। अब कार जो है बंद पड़ी है, अब उनके पास थी दो रस्सी, दो रस्सी से दोनों कार को खींचना चालू किए और इधर की तरफ कार मूव कर, मतलब कार इधर की तरफ ही मूव करेगा, सबको पता है, ठीक है। तो इधर से ये खींचा 2000 न्यूटन से, इधर से ये खींचा 2000 न्यूटन से, ठीक है, कि क्या बोला मैं, इधर से ये खींचा 2000 न्यूटन से, इधर से ये खींचा 2000 न्यूटन से। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है, इफ़ वी यूज वन रोप टू अप्लाई फोर्स विच गिव सेम इफेक्ट एज टू रोप्स। ये जो दो रोप से अगर खींचा जा रहा था तो इस पे जितना इफेक्ट पड़ रहा था, तो अगर दो रोप को रिप्लेस करके एक रोप रखे सिर्फ, ठीक है, जो कि सेम इफेक्ट दे रहा है जो दो रोप दे रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा उस सिंगल रोप का अगर खींचेंगे तो, ठीक है भाई। तो इन सब कंडीशंस पे जब सेम टाइम पे दो फोर्सेस लगते रहते हैं एक चीज़ पे, तो क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर इधर जा रहा है 45 डिग्री पे, तो मैं इसको खींच के इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये इधर आ जा रहा है,
ये ऐसे जा रहा है तो मैं इसको खींच के यहाँ ले आता हूँ, तो ये जा रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ बीच से इन लोग दोनों 45 डिग्री बना रहे हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि ऐसे अगर दो फोर्स है कोई भी, ठीक है, ऐसे अगर दो फोर्स है कोई भी, तो मेरे को पता है कि ये जो रिजल्टेंट होगा, वो जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के ऐसे बीच से पैरेललोग्राम के डायगोनल से जाएगा, ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये जो है डायगोनल होगा, तो ये जो है डायगोनल से ऐसे ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये अगर 2000 न्यूटन है, 2000 न्यूटन है, ये भी 2000 न्यूटन है, ठीक है। और ये आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल, आर नहीं, इसको एफ नेट बोलते हैं, चलो एफ नेट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। लेकिन मैंने तो बात की मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले अपन। अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर देते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, ठीक है भाई साहब। तो ये हुआ F1, ये हुआ F2, और ये हुआ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहाँ से पता चला अपने को, पैरेललोग्राम से पता चला, ठीक है। ये F2 हुआ। अब ये क्या ट्रायंगल लॉ से टाइप का दिख रहा है, हाँ यार ये तो ट्रायंगल लॉ टाइप का दिख रहा है। तो ये इनके बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है क्या, ये 45 45 90, इसको लेके आया पैरेलल, तो 90 डिग्री पे, हाँ ये 90 डिग्री पे। ये 45 डिग्री दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो इसमें पाइथागोरस लगा दूँ क्या, हाँ लगा देते हैं एफ नेट। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में पाइथागोरस लगेगा क्योंकि पाइथागोरस जो है वो हमेशा स्केलर पे लगता है, इसीलिए अपन सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज़ पे लगाएंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, एफ नेट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, 2000, 2000 का स्क्वायर प्लस F2 भी 2000 है, तो 2000 का स्क्वायर। और एफ नेट के लिए मैं यहाँ स्क्वायर हटा के रूट लगा देता हूँ इनमें, तो रूट ओवर 2000 का स्क्वायर, 2000 का स्क्वायर प्लस 2000 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, मतलब 2000√2 आ जाएगा ये। तो एफ नेट क्या आएगा यहाँ से, एफ नेट आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, 2000√2 ही आएगा, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एफ नेट का मैग्नीट्यूड तो आ गया, ये मैग्नीट्यूड है ना सिर्फ, क्योंकि वेक्टर नहीं है इसके ऊपर, तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड तो आ गया। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो यहाँ पैरेललोग्राम से अपन निकाल चुके थे। तो ये क्या आ जाएगा, अगर सिंगल रोप अप्लाई करेंगे तो वो एक वेक्टर से 45 डिग्री पे एंगल पे रहेगा, और कितना मैग्नीट्यूड लगाएगा, अगर इतना मैग्नीट्यूड लगाएगा वो सिंगल रोप, तभी वो इस कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से था ये पैरेललोग्राम लॉ का क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं किसी और एंगल, थीटा एंगल, 60 डिग्री, 30 डिग्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन सब के लिए फार्मूला लगेगा, और फार्मूला आएगा किस में, एनालिटिकल मेथड में, इसीलिए मैं अभी सिर्फ ग्राफिकल मेथड वाला बता रहा हूँ कि ये ग्राफिकल मेथड का है सिर्फ, ठीक है। तो अब तुम लोग पूछोगे यार यहाँ 2000 न्यूटन का फोर्स था क्या, 2000 सेंटीमीटर लेना है, इस कंडीशन में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 न्यूटन ले लेना, और 2 सेंटीमीटर का एक वेक्टर बनाना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अरे 2000√2 है तो 2√2 सेंटीमीटर ऐसे करके बना लेना, ठीक है। तो चलो यार अब आगे की बात करते हैं, और आगे देखते हैं पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन की तरफ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर की, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर की अभी अपन ग्राफिकल बात करेंगे, इसका तो वैसे एनालिटिकल मेथड तो उन्हीं दोनों से हो जाता है, वेक्टर और पैरेललोग्राम से, लेकिन फिर भी अपन इसके बारे में देखेंगे। देखो होता क्या है, चलो इसको डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे बाद में। इट स्टेट्स दैट इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ए सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ ओपन पॉलीगॉन, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन। क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया। चलो ठीक है,
अभी तक अपन देख रहे थे पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर लॉ, मतलब वो क्या होता है ट्रायंगल लॉ, उसमें क्या कहानी था, उसमें सिर्फ होता क्या था कि सिर्फ हमने को दो वेक्टर देते थे, ठीक है, दो से ज़्यादा देते ही नहीं थे, दो वेक्टर और उनका रिजल्टेंट, दो वेक्टर उनका रिजल्टेंट, दो वेक्टर उनका रिजल्टेंट, यही चल रहा था। अब जो है एनी नंबर ऑफ वेक्टर की बात आ गई, मतलब कितने भी सारे वेक्टर हो, इफ़ इट स्टेट इफ़ एनी नंबर ऑफ वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इस आर्टिकल पे एनी नंबर मतलब कितने भी नंबर, मान लेते हैं, चलो अब एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं ये है अपना भाई चिंटू, क्या है चिंटू, ठीक। अब चिंटू के ऊपर जो है हमला हो गया, किसका हमला, गुंडों का हमला, चलो चिंटू का कुछ दुश्मनी था, हमला हो गया, ठीक है, चिंटू की तरफ एक तरफ से फोर्स लग रहा है इधर, मतलब पंच पड़ रहा है, लात पड़ रही है, ठीक है, इस तरफ कोई धक्का मार रहा है, इस तरफ से कोई इधर से मार रहा है ना, ऐसे टाइप का कुछ केस हो गया है चिंटू के साथ। क्या हुआ है कि उसका कोई झगड़ा हो गया है और उसको चार पांच लोग मिलकर घेर दिए, ठीक है, चार पांच लोग मिलकर जो है घेर दिए ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे करके पढ़ रहे हैं। अब जो है अपने को पूछा कि इतने सारे लोग जब इसको धक्का मार रहे हैं तो चिंटू जो है नेट फोर्स कितना लगेगा चिंटू पे, ठीक है, कोई इधर से फोर्स मार रहा है, कोई इधर से फोर्स, कोई इधर से फोर्स, कोई इधर से फोर्स, तो चिंटू पे जो है नेट फोर्स कितना लगेगा। अब भाई हम सब कन्फ्यूज कि भाई साहब दो वेक्टर था तो अपन वेक्टर क्या ट्रायंगल लॉ लगा देते या पैरेललोग्राम लॉ लगा देते, अब इतने सारे वेक्टर हम क्या करें, तो आया पॉलीगन लॉ। अब ये क्या बोलता है कि पहले पूरे वेक्टर को सजा देते हैं, पहले इसको पकड़ के अपन यहाँ लेके जूम 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 करके यहाँ पैरेलल लेके आए, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये जो है इसको पकड़ के ऐसे पैरेलल ही लेके आया मैं, यहाँ पे रख दिया, और इसको जो है मैं पैरेलल ही लेके आया और यहाँ पे रख दिया ये, और अब इसको पकड़ के लाया इधर मैं, और ये पैरेलल ही रख दिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब चिंटू की तरफ जो है चार फोर्सेस लग रहे थे और मैं चारों को पकड़ के लाया और ऐसे पैरेलल ही सजा दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। अब जो है नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है कितना लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू ये पॉलीगन लॉ इट स्टेट दैट इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ए सेम टाइम, एक सेम टाइम पे लग रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ पॉलीगन, ये ओपन पॉलीगन के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज साइड ऑफ पॉलीगन, तो रिजल्टेंट की कैसे करेंगे अपन, ये क्लोज साइड कर देंगे ऐसे, ये क्लोज हो गया पॉलीगन का साइड, ठीक है। तो ये जो है अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, ये अगर सी वेक्टर है, और ये अगर डी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट का वेक्टर जो है वो ऐसे अपोजिट में टेल से निकलेगा इसके और हेड पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये एन नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए है, हाँ ये एन नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए, कितने भी वेक्टर, अभी मैं चार वेक्टर लिया हूँ सिर्फ, ए बी सी डी, तुम कितने भी एन नंबर ले सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि पॉलीगॉन जो है क्लोज रहना चाहिए, मतलब पॉलीगॉन जो है ओपन रहना चाहिए, और क्लोज कौन करना चाहिए, रिजल्टेंट क्लोज करना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं ये रिजल्टेंट को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बोल सकता हूँ, तुम लोग बोलो कैसे 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 इसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल में तो तुम लोग मान लिए, चलो ठीक है, पैरेललोग्राम में भी मान लिए, इसमें कैसे हुआ, चलो देखते हैं फिर। अब देखना सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर पे ध्यान देना, ठीक है, सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर पे ध्यान देना, तो इनका जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वो ये आर डैश बनेगा क्या, ठीक है, तो आर डैश इज इक्वल्स टू मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख लूँ क्या, ठीक है लिख लेते हैं। अब ये आर डैश वेक्टर आर डैश वेक्टर और ये सी वेक्टर के ऊपर ध्यान देना, तो आर डैश वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट ये बनेगा क्या, कैसे 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 कैसे
आर डैश वेक्टर जो है वो इन दोनों के सम से बना, तो ये एक वेक्टर आर डैश, आर डैश वेक्टर और सी वेक्टर का सम कौन सा, ये आर डबल डैश वेक्टर बोल लेते हैं इसको, आर डबल डैश वेक्टर। ठीक है, अब आर डबल डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं आर डैश का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बोल लेते हैं। ठीक है, अब आर डबल डैश और डी का देखना। ठीक है, तो आर डबल डैश वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा पैरेललोग्राम मतलब ट्रायंगल लॉ से, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डबल डैश वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो आर डबल डैश वेक्टर का वैल्यू यहाँ से डाल दो क्या, डाल देता हूँ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया यार कि पॉलीगॉन लॉ में जितने भी वेक्टर हैं, जितने भी वेक्टर है जब तक वो ओपन पॉलीगॉन बना रहे हैं, उन सब वेक्टर्स का जो सम है वो रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अभी प्रूफ भी कर दिया ये लो ये वाला चीज़। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। ठीक है, तो ये जो है रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अब एन साइड्स के लिए देखते हैं, एन साइड्स बोले तो रुक जाओ इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। हम जो चलने लगे हैं चलने लगे हैं, सिर्फ ये वाली चीज़ याद रखना। ठीक है, तो प्रूफ के लिए था, अब एन साइड के लिए देखते हैं। टन 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 टन, मान लेते हैं ये ए वन वेक्टर, ए टू वेक्टर, ए थ्री वेक्टर, ए फोर वेक्टर, डैश 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 डैश, यहाँ कोई ए एन वेक्टर है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे करके होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए वन वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर प्लस ए थ्री वेक्टर प्लस डैश 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 ए एन वेक्टर, लिख लेते हैं भाई, ए वन वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर प्लस ए थ्री वेक्टर प्लस डैश 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 ए एन वेक्टर। तो ये जो है रिजल्टेंट किस चीज़ का हो जाएगा, ये जब एन नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे उनके लिए ये रिजल्टेंट आएगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ यार ये पॉलीगॉन लॉ ख़त्म करते हैं। अब इसके थोड़े एग्जांपल देखते हैं एक आठ ठोक, उसके बाद जो है अपन थोड़े से वेक्टर्स के लॉ देख लेंगे, वेक्टर एडिशन के दो तीन लॉ है उनको देख लेंगे और ये वीडियो रैप अप करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फिर आगे की बात। तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ ए बी सी डी इज ए रेगुलर हेक्सागन विथ पॉइंट ओ एस सेंटर, द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज, चार ऑप्शन दिए, चार में से एक लगाना है। तो देखो भाई इसको सॉल्व करते हैं अपन। चलो तो पहले एक हेक्सागन बनाते हैं, हेक्सागन ठीक है, ये एक हेक्सागन बन गया, इसका नामकरण कर देते हैं ओ। ठीक है, ए बी सी डी ई और ये एफ। ठीक है, अब वो बोला है ए बी, ए बी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर हो जाएगा ये, प्लस ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर बोले तो ये वाला वेक्टर, प्लस ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर बोले तो ये सेंटर से पास होगा। क्यों सेंटर से पास होगा, क्योंकि ये हेक्सागन में ये वाला जो साइड है वो सेंटर से ही पास होता है। ठीक है, ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर यहाँ चला जाएगा ये, प्लस ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर बोले तो ये वाला वेक्टर। तो देखो भाई इन सब को, इन सब के बीच का रिलेशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट
उन सबको जो है ऐड करना है। तो पहले अपन ए बी वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है ए बी वेक्टर प्लस ये ओ एफ को मैं अगर यहाँ ले आऊँ, यहाँ से यहाँ बी के सर पे ले आऊँ, तो यहाँ ए ओ वेक्टर है ना, ये ए ओ वेक्टर है और ये पॉइंट है वो, अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं यार, ये ओ है, ये ए ओ वेक्टर है, ठीक है। तो ए ओ वेक्टर ये हो जाएगा। तो अगर मैं ये ए एफ वेक्टर को यहाँ ले आऊँ बी पे, तो ए बी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ से ए बी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर। ध्यान से देखना, ए बी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर यहाँ ले आया, ठीक है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर हो जाएगा ए ओ वेक्टर, ठीक है, ये निकल गया। तो यहाँ से जो है ए बी वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा ए ओ वेक्टर माइनस ए एफ वेक्टर, ठीक है। अब देखो ए सी वेक्टर निकालते हैं हम, ए सी वेक्टर, ठीक है। ए सी वेक्टर देखिए, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर हो रहे हैं, ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर हो रहा है, और बी सी वेक्टर जो है वो ए ओ के इक्वल दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ऐसे करके इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो ए बी वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ठीक है। अब ये ए डी को देखते हैं, तो ए डी में तो दिख ही रहा है कि टू टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर है ये, क्योंकि यहाँ ना देखो ये हेक्सागन अगर रहता है ना, हेक्सागन में अगर ऐसा कोई लाइन रहता है तो ये सेंटर से हाफ ऑफ के डिस्टेंस पे रहता है। तो यहाँ से अपने को पता है कि ए डी वेक्टर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर होता है, ठीक है। अब ए ई वेक्टर देखते हैं, ए ई वेक्टर कैसे निकलेगा भाई साहब, ए ई वेक्टर के लिए क्या लेना पड़ जाएगा, क्या लेना पड़ जाएगा ए ओ के टर्म्स में, ये ए ओ वेक्टर को, हाँ ये देखो, ये ए ओ वेक्टर को मैं उठा के यहाँ ले जाऊँगा, तो ए एफ वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर ए ई वेक्टर इज इक्वल टू ए एफ वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर, ठीक है। ये ए ओ वेक्टर को यहाँ से उठा के मैं यहाँ लेके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं करके, ठीक है। अब बात करते हैं ए एफ वेक्टर की, ए एफ वेक्टर और ए ओ वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, ये कैसे देखें, यहीं से देख लो और क्या, ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए ई वेक्टर, या फिर इसको ए एफ ही रहने देते हैं, ए एफ वेक्टर को ए एफ वेक्टर ही रहने दो, आखिरी में काटेंगे इसको, ठीक है। तो चलो अब इन सबको सम कर देते हैं, तो ये तो इन सबका सम, तो ए ओ वेक्टर माइनस ए एफ वेक्टर, पहले मेन जैसे था वैसे लिख लेते हैं, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, तुम लोग जल्दी वो कर लो, फास्ट फॉरवर्ड कर लो, ठीक है, टाइम लगेगा। ए वेक्टर, अब इन सब की मैं वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए ओ वेक्टर माइनस ए एफ वेक्टर, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी ए बी वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर, ठीक है। ए ई क्या हो जाए, ए डी क्या हो जाएगा, टू ए ओ वेक्टर, टू ए ओ वेक्टर, ठीक है, टू ए ओ वेक्टर, अब ए डी हो गया। ए ई, ए ई क्या हो जाएगा, ए एफ वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर वेक्टर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए एफ, ए एफ का ए एफ ही है, ठीक है। तो कितने ए ओ निकले, एक दो तीन चार पाँच, तो पांच ए ओ वेक्टर निकल गए। देखो देखो देखो, अब मैं तुम लोग को बताया था कि कोई भी वेक्टर ऐसी सम नहीं होता, लेकिन अगर इक्वल वेक्टर्स है, जैसे ए वेक्टर है प्लस ए वेक्टर है,
ए वेक्टर है प्लस ए वेक्टर है तो इसका हो जाएगा 2A वेक्टर, है ना, ये होता है। तो मतलब जो सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर हो जाएगा। अब क्या बचता है, 1, 2 और ये 3 और ये 4। तो ये एक AF माइनस में, तो इसको काट दो, किससे, ये वाले AF से काट दो। तो ये बचा AF वेक्टर प्लस AB वेक्टर, और AF वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ठीक है। अब AF वेक्टर प्लस AB वेक्टर क्या है, AO वेक्टर है क्या यहाँ से, हाँ है, तो AO वेक्टर डाल दो। तो यहाँ से आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर आंसर, 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर, हाँ ये सी वाला ये आंसर है। तो ऐसे निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यार अपन थोड़े वेक्टर्स के जो रूल्स है थोड़े उनकी बात कर लेते हैं, वेक्टर एडिशन के थोड़े रूल्स की, उसके बाद अपन ये वीडियो रैप अप कर देंगे, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक है। वेक्टर एडिशन की दो प्रॉपर्टीज, क्या, वेक्टर एडिशन की दो प्रॉपर्टीज, ठीक, चलो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बोले तो ए प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब तुम लोग बोलोगे ये कैसे हुआ, चलो इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई ए वेक्टर है जो इधर जा रहा है और कोई बी वेक्टर है जो इधर जा रहा है, तो क्या उनका रिजल्टेंट इधर जाएगा, तुम लोग बोलोगे हाँ, रिजल्टेंट का वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा क्या, तुम लोग बोलोगे हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब जो है मैं क्या किया, ये जो बी वेक्टर है ना इसको पैरेलल उठा के लाया यहाँ पे इसके पूछड़ी पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना, और ये जो ए वेक्टर है ना इसको मैं पैरेलल उठा के लाया यहाँ इसके सर पे, इसको पैरेलल उठा के लाया इसके सर पे ले, ठीक है। तो ये जो है ये बी वेक्टर है, ये जो है ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इजिक्वल्स टू आर वेक्टर होगा क्या, बोलो अरे हाँ, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इजिक्वल्स टू आर वेक्टर हो रहा है, तो आर वेक्टर इजिक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा सामने आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया, अब जो मिटाने दो इसको। टन 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 टन, तो कम्यूटेटिव समझ गए। अब दिखाता हूँ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर पहले करेंगे फिर ए वेक्टर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर, ठीक है। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को पहले ऐड करेंगे फिर सी वेक्टर को ऐड करेंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ये दोनों सेम ही चीज़ है। अब प्रूफ देखते हैं ले, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं, मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आएगा, ये मान लेते हैं ये रिजल्टेंट, ठीक है, आर ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर और ये है ए वेक्टर, ठीक है। तो ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, ये वाली लाइन होगी क्या, क्या ये वाली लाइन होगी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हाँ भाई हो गया, और क्या रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर प्लस आर इज इक्वल टू आर डैश लिख देते हैं इसको, आर डैश वेक्टर होगा क्या, हैं, होगा यार, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर होगा क्या, हाँ होगा ट्रायंगल लॉ से। अब ये आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा क्या, क्या बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर की जगह मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख लूँ क्या, लिख लेता हूँ यार, इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। अब ये वेक्टर को भूल जाओ,
अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा क्या आर वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, सी वेक्टर मतलब आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आर वेक्टर क्या आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ लिख देता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर। तो यहाँ भी आर डैश, यहाँ भी आर डैश, इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूँ क्या, कर देता हूँ यार, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव रूल, क्या एसोसिएटिव रूल, कम्यूटेटिव ये, एसोसिएटिव ये। तो इसी के साथ यार ये जो लेक्चर है अपन रैप अप करते हैं और मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए और सेफ रहिए, चलिए ठीक है।